खबर इंदौर से है, जहां जूनी इंदौर थाने में बीजेपी विधानसभा क्षेत्र के नंबर 4 के भाजपा नेताओं ने जूनी इंदौर थाने पर टीआई को घेर लिया। उन्होंने टीआई को सांसद समर्थक तक कह दिया। इतना ही नहीं, सुनवाई नहीं करने पर उन्होंने नगर अध्यक्ष से शिकायत करने की भी धमकी दे डाली। मामला क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद उपजा था। जूनी इंदौर थाने पर टीआई अभय नीमा से भाजपा नेता राकेश जैन खनुजा और महेश कुकरेजा सहित अन्य कार्यकर्ता पहुंचे थे। ये सभी विधायक मालिनी गौड़ बताए जा रहे हैं। यहां सभी ने सबसे पहले थाने के बाहर हंगामा किया। वहीं टीआई ने जब समझाकर केबिन में बैठाकर बात सुनने की कोशिश की तो मालिनी गौड़ समर्थकों ने टीआई को सांसद का समर्थक बता दिया। आपको बता दें कि खनुजा गार्डन में भाजपा नेता पंकज फतेह चंदानी क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन करा रहे हैं। पंकज को सांसद शंकर लालवानी का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। यहां घूरने की बात पर हर्ष मखीजा और शहीद हेमू कॉलानी मंडल के प्रदीप शर्मा से कहासुनी हो गई। हर्ष की शिकायत पर प्रदीप के खिलाफ जूनी इंदौर में थाने में रिपोर्ट लिखा दी गई। वहीं इस मामले में विधायक मालिनी गौड़ के खास माने जाने वाले राकेश जैन, मंडल अध्यक्ष सचिन जायसवानी, पृथ्वी चंदन, शिव महेश कुकरेजा के साथ ही कई कार्यकर्ता जूनी इंदौर थाने पहुंचे और एसआई दीपक पर पंकज फतेह चंदानी का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। समर्थकों ने इस मामले में टीआई को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि गार्डन में कहा सुनने के बाद प्रदीप बैराठी कॉलोनी से आ रहा था, तभी गोलू और उसके साथियों ने प्रदीप को रोक लिया, उसके साथ मारपीट की, भागा तो उसका पीछा भी किया और घर के बाहर भी धमकी दी। प्रदीप थाने में रिपोर्ट लिखाने गया तो पुलिस वालों ने 3-4 लोगों को पकड़ लिया था। सिपाहियों ने समझौता करवा दिया। प्रदीप थाने से घर आया तो उसे पता चला कि उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। वहीं प्रदीप ने बाद में मंडल के नेताओं से शिकायत की थी। पीड़ित पक्ष नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे से मिलने के लिए भाजपा दफ्तर जाने की बात की। उन्होंने टीआई पर एक तरफा कार्रवाई को लेकर गुस्सा जाहिर किया। मालिनी गौड़ के समर्थकों को गौरव रणदिवे ने मिलने के लिए समय ही नहीं दिया। इधर फतेह चंदानी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। टीआई ने इस पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। यहां पहले भी सांसद और विधायक के समर्थक सिंधी कॉलोनी के मार्केट को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। प्रकरण भी दर्ज हो चुका था। आपको बता दें कि जूनी इंदौर टीआई अभय नीमा के मुताबिक एक मामले में व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज हुआ था। इसे लेकर आरोप लगा रहे थे, बाद में वो समझकर चले गए। आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। सही बात, अपने परिवार के मुखिया को भी तो बोलना बन जाए। हाँ, ये बात तो सही है। अब ये क्यों नहीं करना है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप इकट्ठे हो, चलो लेके काम कर। चलो बोलो, पंचायत करवा दिया है, बाकी का बुलेट है, उसका नाम नहीं लेंगे। काहे के डर लगता है? उसने बिना दबाव में काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में इसको छोड़ो। दो मिनट बिना दबाव में काम कर रहे हैं। साहब हर बार यही होता है। एक मिनट नाम नहीं ले रहे, एक मिनट लेके बता रहे हैं। हर टीआई उनके दबाव में काम कर रहा है। सही काम होना ही चाहिए ना। करो ना, हमारे ऊपर कार्रवाई। सही कार्रवाई करो ना, आपका मना करो अगर ऊपर। लेकिन ऐसे किसी के कहने का कार्रवाई होगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 बजे तक स्पीकर बजे आप चले अपन तो लाइन ऋषि भैया आप समझ लेते हो। ये बेटी प्रकाश भैया आप चलो, आप चलते हैं, उसका नाम देते हैं। इसी बात बोले कि देखो तीन टीआई जा चुके हैं यहाँ से, बहुत अच्छे।